है ओबीसी को यहाँ से वैसे ही भागना पड़ेगा। हम फखर करते हैं अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हुए, मगर आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी को भगा देंगे, ये बीजेपी की ज़हनियत है, ये नरेंद्र मोदी की ज़हनियत है, ये योगी नहीं नरेंद्र मोदी की जबान है। अरे ओवैसी को छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी किसी मन पर रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी। जी हाँ, तेरे अल्लाह मेरे भगवान, आखिर कौन मारेगा मैदान, सियासी युद्ध या फिर धर्म युद्ध, ये एक बड़ा सवाल। आपको बता दें, आज मुद्दे की बात में जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एके मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। एके मिश्रा साहब, तीनों पार्टी नहीं होगी सर, एक सेकंड सर अभी कार से गोली नहीं चलानी, एक सेकंड रुक जाइए। एक्शन का रिएक्शन कह रहे हैं संजय सिंह साहब, लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या जिन्ना का दिखाई दे रहा है क्या ओवैसी के अंदर? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता लोग हैं, ये कभी भी चीजों को क्लियर नहीं करेंगे, उलझा के रखेंगे। टेबल टेनिस का जैसे मैच होता है ना, दो लोग टुक टुक टुक, और रेफरी का रोल यहाँ कांग्रेस कर रही है, जिधर बॉल जा रही है उधर देख रही है, लेकिन कौन जीता कौन हारा वो रेफरी डिसाइड नहीं कर पा रहा। ये बड़ा क्लियर है कि ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं। कानूनन ओवैसी साहब की पार्टी एक रजिस्टर्ड और फ्री पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको अधिकार है कि पूरे भारत में चुनाव लड़े। ओवैसी साहब एक राजनीतिक नेता है, तो उनका प्रथम कर्तव्य है कि अपने पार्टी को फैलाएं, चुनाव लड़े। वो ये करते नहीं है, हैदराबाद में लड़ लेंगे चुनाव, यूपी में नहीं लड़ेंगे। सारे भाषण ओवैसी साहब जो देते हैं हैदराबाद में, बरेली में, ये बरेली के पास एक पड़ता है यूपी में, बिजनौर ये गए थे, एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी, मैं बोलता हूं किसी राजनेता या राजनीतिक पार्टी का चाहत, पहली चाहत कर्तव्य होती है कि अपने पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाए। ये कहीं लड़ेंगे नहीं, ये वहीं लड़ेंगे जहां पे मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, और बीजेपी को वोट जब काटना है तो ये दो चार कैंडिडेट खड़े कर देंगे, शायद बिहार यूपी में कुछ इन्होंने किया था। अब एक चीज और देखिए, लक्षण देखिए, सिम्टम देखिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओवैसी साहब बीजेपी के खिलाफ तो बोल रहे हैं, चलिए मैं मानता हूं योगी जी ने या किसी ने शुरू किया, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? अगर कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ, और उनकी इमेज को डेंट पहुंचा रहे हैं, तो सपा बसपा माकपा 500 और पार्टियां हैं, साउथ में इतनी पार्टियां हैं, हैदराबाद में जितनी पार्टियां हैं, उनके अपने राज्य में तेलंगाना वगैरह में किसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। ये बीजेपी के बारे में, जो बीजेपी बोलेगी उसी का रिएक्शन, इसीलिए मैंने इसको टेबल टेनिस का गेम बोला है। एक बॉल आई बीजेपी ने मारी, फिर वो भी एकदम बराबर, पीछे नहीं है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? अगर ओवैसी साहब वाकई में एक राजनीतिक होते, मतलब राजनीति करना उनका परम धर्म और उद्देश्य होता उनकी पार्टी का, तो इतने दिनों से वो है नेता और ऑल ओवर इंडिया में इनके कैंडिडेट हो गए होते, लेकिन ये कोई एक्शन ले ही नहीं रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि ये कहीं ना कहीं कैटालिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। किसके इशारों पर कर रहे हैं, बी सी डी टी में, ये मैं नहीं बताऊंगा। सर, ऐसा कौन सा नेता है जो ये चाहे कि मेरे, जबकि इनकी धाक भी मुस्लिमों में बहुत अच्छी है, पूरे बहुत फेमस है, क्यों ये कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, क्यों ये एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेते, क्यों हैदराबाद को छोड़ करके कहीं और, ये ऐसी चीज लखनऊ में जाके बोले ना किसी ने रोका है? आपको लगता है फ्रेंडली मैच है सर ये बीजेपी और ओवैसी का? फ्रेंडली नहीं, ये प्लान्ड बहुत, ये है उद्देश्य दोनों का है। देखिए, मुझे ये लगता है कि बीजेपी को जिताना ही और कांग्रेस को हराना, यानी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना, मैं इनकी एक्टिविटी और सिम्टम के बेस पे बोल रहा हूँ। मैं बोलता हूँ अगर ओवैसी साहब ये थे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुस्लिमों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह है देवबंद और बरेली, जहां से फतवा, एक बरेलवी संप्रदाय है, ये आज तक क्यों नहीं गया वहां पे, वहां के मुसलमानों को क्यों नहीं कुछ बोला? आप मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, तो अब मैदान खुला है, आप सबने अपना पक्ष रख लिया, अब मैदान खुला है, एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। शर्मा जी, आपके पास आ सकता हूँ, इजाजत है? जो सवाल पूछूंगा उसी का जवाब दीजिएगा सर, जो याद करके आए वो नहीं। डॉक्टर साहब, आ रहा हूँ आपके पास, प्लीज एक सेकंड, एक एक करके सर, एक बार फिर ओपन कर रहा हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ, आप लोगों का सबका मैंने पक्ष ले लिया, ओपन कर रहा हूँ, मैदान खुला है, नहीं रोकूंगा। संयम के साथ, संयम के साथ, एक सेकंड, पीएम को गाली देना सही है, जायज है? शर्मा जी, यस और नो? देखिए, बिल्कुल पीएम को गाली देना जायज नहीं है, गाली देकर वोट मिल रहा है, आपको भी अपनी मर्यादा में रहना होगा। अगर उसको पूर्व प्राइम मिनिस्टर ये बात बोल रहे हैं कि पीएम का एक दायित्व होता है
प्राइम मिनिस्टर सबका होता है वो, नहीं, नहीं, अगर, नहीं अगर वैसी बंदूक गाली देते अगर बात अगर मेरे कहने से पहले आप ही कहेंगे कि मैं हेडमास्टर हूं तो फिर ना मैं स्टूडेंट बनने वाला तो हूं नहीं। बेसिकली क्या है, जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब तक आप किसी क्वेश्चन को सुनकर उसका तर्क नहीं देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। सवाल तो मैं करूंगा ना, सवाल मेरे से सवाल मैं करूंगा ना, नहीं सवाल करेंगे तो सवाल का जवाब लेंगे ना। हां सर, वही सवाल तो करूंगा, पीएम को गाली देना ठीक है नहीं ठीक है तो उसका मेरे से जवाब लीजिए और उसके बाद वो करेंगे तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आपको ये चीज कोई आसान काम नहीं है या कोई मुश्किल काम नहीं है, वो हमें भी आता है, वो चीज हम भी कर सकते हैं आपकी तरह से। आपने बोला पीएम को गाली देना ठीक है कि नहीं, बिल्कुल मर्यादा के अंदर रह के प्राइम मिनिस्टर सबका होता है, उसको गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके साथ प्राइम मिनिस्टर का दायित्व भी बनता है कि वो इस बात को भी ध्यान दे कि क्या हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टरों का ऐसा अभिलेख आया कहीं पर कि उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया, क्यों हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उनको एक मैसेज दिया कि मर्यादा में रह के प्राइम मिनिस्टर्स को इन चीजों को कहना चाहिए। अगर ये सब चीज प्राइम मिनिस्टर अडॉप्ट करते हैं तो राजनीति के अंदर अपने आप निश्चलता आएगी, राजनीति ठीक होगी। अब आप दूसरा सवाल पूछिए, चौकीदार चोर है नारा है। देखिए चौकीदार चोर है, चौकीदार को चौकीदार कौन है, चौकीदार प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है, चौकीदार ने खुद संबोधन दिया कि मैं चौकीदार हूं, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं कहा जा रहा, प्राइम मिनिस्टर एक अलग वाक्य है, चौकीदार एक अलग वाक्य है। और अगर करप्शन होगा तो विपक्ष का काम है उसको उजागर करना और उसको दिखाना। क्यों एक जिसको एक जहाज बनाने का भी एक्सपीरियंस नहीं था अनिल अंबानी को, उसको 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे दिया गया? तो इसके ऊपर जवाब तो लेंगे हम, बिल्कुल लेंगे। अगर हम बोलेंगे तो फिर आपको सुनना भी पड़ेगा और बीजेपी को भी सुनना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं बीजेपी का एजेंट हूँ। नहीं नहीं, आप बीजेपी के एजेंट नहीं है, लेकिन मेरा सवाल पूछिए एके मिश्रा साहब, फिर मैं उसके बाद क्वेश्चन ये बताइए, आम को मैंगो बोलिए, चौकीदार और पीएम का कॉन्सेप्ट आज की डेट में सिनोनिम्स है, दोनों का मतलब एक है, तो ये कैसे हो सकता है सर कि आप ये बोल दो कि पीएम को हमने नहीं बोला? कॉन्सेप्ट एक नहीं है। अच्छा, अलग अलग आप ये कह रहे हैं तो आप इसका मतलब उपाधि है, ये उपाधि है, ये प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी की भी उपाधि बता दिया जाए सर। बिल्कुल, ये प्राइम मिनिस्टर उसने आपको बुरा, मैं ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, सब सम्माननीय है। अगर आप लोग सर ऐसे ही उपाधियों का मजाक उड़ाते रहेंगे, आप ही संजय सिंह वहां से शुरू हो जाएंगे, फिर क्या कहेंगे आप? मजाक नहीं उड़ाया मैंने। नहीं नहीं, फिर आप कहेंगे कि क्यों बोल दिया? चौकीदार चौकीदार ये है, देखिए मैं भी एक नागरिक हूँ, चाहे कोई भी नेता हो, ऐसे ऐसी उपमा नहीं देनी चाहिए सर। ये मानते उपमा देनी है किसी को भी, आप पीएम की टांग खींचिए ना, मैं रोज खींचता हूँ। आप एक सम्मानित, आप सब लोग सम्मानित है सर, कोई भी पार्टी का नेता हो सर, ऐसी तुलना मत करिए ऐसी सर। थोड़ा सा हिंदी और संस्कृत का जितने अलंकार होते हैं ना, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, इसका थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए तो आपको पता चलेगा। हम लोगों को तो अभी भी याद है। डॉक्टर साहब, ओवैसी को मुसलमानों की पार्टी मानते हैं, यस और नो? जी मानते हैं आप? जी ओवैसी को मुसलमानों की पार्टी मानते हैं आप? क्या बोला आपने, जरा फिर से रिपीट कीजिए। सर मैंने कहा ओवैसी को मुसलमानों की पार्टी मानते लगता हैं आप? नाम से बिल्कुल लगता है, लगता है आपको? डैमेज करेंगे? जी नहीं, साबित तो करेंगे तिलक जी, लेकिन उसके पहले आपने मुझे समय दिया है, तो थोड़ा समय आपके पूजे और राजनीतिक विश्लेषण है जरा उनको भी, क्योंकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं है आईएम का, लेकिन बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी होता है और जानना जरूरी होता है। इन्होंने बड़ी तेजी से विश्लेषण करके बोल दिया है कि ओवैसी साहब ने जो नहीं, मैं समझ गया कहां बिंदु ने चला मानने वाले, ये समझे कि 2017 में 26 नहीं 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 देखिए गलती है, देखिए जो गलत बोलेगा तो उसके खिलाफ तो बोलेंगे। बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए, मानने को तैयार हूं सर, बोलिए सर, मानने को तैयार हूं। एआईएम ने उत्तर प्रदेश के सारी निकाय चुनाव में, सारे निकाय चुनाव में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 26 वार्ड जीते गाजियाबाद के चेयरमैन के लिए और फिरोजाबाद में रनर रहे हैं। तो पहले उसको आप तोड़िए अपनी सही करें। एमपी का इलेक्शन इलेक्शन नहीं था क्या? यूपी का इलेक्शन इलेक्शन नहीं था? आप मिजोरम का इलेक्शन इलेक्शन नहीं था? बिहार का इलेक्शन इलेक्शन नहीं था? वो वही तो समझा रहे हैं कि कैसे वो बीजेपी का इतने मायोपिक क्यों होते हो सर? यहाँ कोई हम लोग बेवकूफ नहीं रहते हैं जितने आसानी से आप बोल देते हैं ना। ये मुझे सर साउथ इंडिया में क्यों नहीं खड़ा करते हैं ये स्टेट इलेक्शन में, 5-6 स्टेट में? आप गलत, आप टीवी के माध्यम देखिए इंडिया वॉइस एक जो है जिम्मेदार चैनल है, अगर आप इस पे चुनावी विश्लेषण कर रहे हैं तो आप गलत डॉक्टर साहब वही तो कह रहे हैं, साउथ इंडिया में क्यों नहीं ये खड़ा करते हैं, 5 स्टेट है
समाजवादी पार्टी को डैमेज होगा अगर वो यूपी में इस्तेमाल करते हैं बीजेपी वाले। आपने कहा ना वो बी टीम है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप लोगों को डैमेज होगा? कोई डैमेज नहीं होने हमें, कोई हमने कभी अभी नहीं तो आपने कहा मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए क्या आपको भी? टीम में समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए क्या? माई फार्मूला में से एक निकल जाएगा। हमारे पास जितना मुसलमानों का वोट है, हमारे पास हिंदू वोट भी है, मुस्लिम यादव फार्मूला में से एक माइनस हो जाएगा सर, सारे वोट है, आप हमारे वोट की परेशान ना कीजिए। अच्छा तो यानी आप ये कह रहे हैं ना कि चाहे ओवैसी आ जाए मुसलमान हमारे पास ही रहेंगे? हम नहीं चुनाव लड़ते हैं, आप वही रखिए। डॉक्टर साहब एक सेकंड मैं जानता हूँ आपको कोई टेंशन नहीं है, मैं जान रहा हूँ सर 2019 की कोई टेंशन नहीं है डॉक्टर साहब आपको, मैं जान रहा हूँ सर कोई टेंशन नहीं है आपको, मैं मान तो रहा हूँ सर, आप बताइए ना इस बात की गारंटी है? 2019 की भी टेंशन नहीं है, हमारे 22 की भी टेंशन नहीं है, मैं जान रहा हूँ। दूसरी बात, आप मेरी आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे, ये इतना नाराज हो गए आपके विश्लेषण से, राजनीतिक विश्लेषण तो मैंने तो थोड़ी दिख की है ना, हाथ जोड़ के नाराज नहीं सर, डिबेट हो रही है, मैं आपको जिस चीज का उल्लेख कर रहा हूं आप अपना तर्क रखिए ना, ठीक है, समय जाए मत करिए, तर्क रखिए बस अपने। अरे नहीं, हमको भी आपसे कह रहे हैं, आप तो नाराज हुए जा रहे हैं। नहीं 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 सर, हम नाराज नहीं हो रहे हैं। अभी चावला साहब ने पूछा कि पीएम डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब तर्क रखिए रसीदा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं गलत है, ठीक है। हाँ मैं तो दूसरी बात बोल रहा हूँ, क्या क्या भारत के, भारत जैसे गणराज्य के प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजना अच्छी बात है? ये भी तो आप बोलिए, आप ये भी तो पूछेंगे, क्या उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है वहां का मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ी हालत को देख नहीं पा रहा है और तेलंगाना और वहां पे जाके वहां पे निजाम और हिंदू मुस्लिम की बातें बता रहा है, ये अच्छी बात है? क्यों आपसे पूछ के क्या प्रचार में उतारेंगे क्या वो बीजेपी वाले? तो क्लियर है आपको दूसरी तरफ से पूछना चाहिए, वो क्लियर है कि योगी जी का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, वो क्या किसको मालूम नहीं है क्या? संविधान के हिसाब से मैं भी फ्री हूँ सर, कहीं पे जाके मैं चिल्ला सकता हूँ, प्रचार कर सकता हूँ, दिक्कत क्या है योगी के प्रचार करने से आपको? मुलायम सिंह यादव क्यों चले जाते हैं? एक सेकंड, चलिए ठीक है ठीक है, मैं आप ही के सवाल को आगे जोड़ रहा हूँ, एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैंने आप ही का सवाल लिया, एक सेकंड संजय सिंह के पास जा रहा हूँ, एक सेकंड, मैंने कब कहा दिक्कत कहाँ है? हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं आप ही का सवाल ले रहा हूँ, आप जाइए उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में बताइए ना सर, आप जाइए वहाँ पे डॉक्टर साहब, वहाँ बेरोजगार पढ़े लिखे प्रवक्ता है, आप इस तरह की बातें करेंगे? प्लीज एक सेकंड सर, आप ही के सवाल को उठा रहा हूँ मैं, बताइए संजय सिंह योगी जी प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, आपके पास तमाम मुख्यमंत्री हैं, तो किस लिए प्रचार करने जाते हैं वहां पर, क्या बताते हैं, यूपी का कौन सा विकास किया वो बताते हैं? भारतीय प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके चुनाव प्रचार कर सकता है, उसे कोई अवरोध नहीं है, वो एक छोटे से कुएं का कोई मेढक नहीं होता, जैसे कि ये बता रहे हैं कि वो उत्तर पर, भाई साहब एक मिनट बताइए ना, डॉक्टर साहब बीच में ना बोले प्लीज, मैं आपको तब से सुन रहा था शांति से, कहीं भी जा सकता है। अब योगी जी के अंदर एक मिनट हमारे मुख्यमंत्री पहले थे नरेंद्र भाई मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर काबिलियत थी और पूरा देश ने उनको स्वीकार किया। अच्छा अली बजरंग बली से वोट मिलेगा? एक मिनट सर, एक मिनट, वैसे ही योगी आदित्यनाथ जी भी उनके अंदर भी काबिलियत है, धार्मिक काबिलियत, धार्मिक काबिलियत है, सर 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 कौन सी काबिलियत है सर, मैं बता रहा हूँ, एक डॉक्टर को एक जर्नलिस्ट बैठे हैं, इनके अंदर जर्नलिस्ट काबिलियत है, एक योगी है, बताइए ना आप, बताइए धार्मिक काबिलियत है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काबिलियत है कि विकास की काबिलियत है, कौन सी काबिलियत है? धार्मिक काबिलियत है, जनता से जुड़ने की काबिलियत है, नोट करिए यहाँ पर सब साफ, एक सेकंड धार्मिक, अगर आपने धार्मिक कहा तो इसका मतलब 2019 में, ओके डॉक्टर साहब एक सेकंड इसका मतलब यह हुआ 2019 में धर्म के आधार पर चुनाव होगा और योगी सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर होंगे आपके, यस और नो? नहीं, मतलब यस और नो? निकाल सकते हैं नहीं, क्यों फिर सबका साथ सबका विकास? नहीं 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 डॉक्टर साहब, सबका साथ सबका विकास कहा है फिर? नो नो नो, आपने बोला सबका साथ सबका विकास, आपने कहा धर्म के आधार पर, नहीं नहीं आपने कहा धर्म के आधार पर, तो आप मुझे बताइए, विवेकानंद जी अमेरिका गए, आपने कहा चुनाव लड़ते क्या विवेकानंद?
बताइए ना, सबका साथ सबका विकास, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, तो फिर धन का एक सेकंड देखिए भाई साहब, धन का पे NH-24 NH-58 बन रहा है तो हिंदू मुसलमान सब चल रहा है, गैस बटा है तो हिंदू मुसलमान सबके लिए है। वहाँ कौन सा बता रहे हैं योगी जी, कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया, आप बता रहे क्या वहाँ जाके, और फिर कह रहे हो वैसी गाली दे रहे हैं। नहीं छोड़िए, 24 घंटा अगर बिजली है तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए है, ये सबका साथ सबका विकास नहीं तो क्या है। हाँ इतना जरूर है कि आज तक आपने हिंदुओं को तोड़ तोड़ के राजनीति करने की कोशिश की है। किसने की है? कांग्रेसियों ने। शर्मा जी जवाब दीजिए, मुस्लिम ये अब बताइए, साबित करिए आप इनसे बड़े हिंदू है। एक सेकंड अभी क्लियर करते हैं, संजय सिंह अभी क्लियर करते हैं, इनसे बड़े हिंदू है आप, एक सेकंड संजय भाई आप साबित करिए, बिल्कुल इनकी पार्टी हिंदू है, हमसे बड़े हिंदू है। जब सूबे का मुख्यमंत्री भगवान हनुमान जी को जाति प्रमाण पत्र दे सकता है तो बिल्कुल ये बात सच्चाई है, यथार्थ में जो संजय जी कह रहे हैं ठीक है। आप देखिए, एक मानव जो मुख्यमंत्री है, फिर वो संत है, उसके बाद वो जाति का प्रमाण पत्र किसको दे रहा है? भगवान हनुमान जी को। तो जो तथ्य आज की डेट के अंदर जो विरासत में मिल गए हैं बीजेपी तो ने, आप मान रहे हैं वो उसी के लिए मिले, आप मान रहे हैं जो संजय सिंह कह रहे हैं चुनावी हिंदू है आप, बिल्कुल आज देश को जो जो बीजेपी आज देश को जो सिखा रही है वो धर्म की राजनीति कह रही है, जबकि आज देश की जनता आज देश देख रही है, और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक हनुमान जी की जाति की उपाधि योगी जी ने बताया, प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को क्या बोला था सोचिए, केवल चुनावी मुद्दे के लिए आप उनका जाति बता रहे हैं, एक सेकंड शर्मा जी, मान रहे हैं आप चुनावी हिंदू हैं? नहीं नहीं, ये प्रमाण पत्र बीजेपी देगी कि वो नहीं, चुनावी प्रमाण हिंदू है, आप क्या उनके प्रमाण पत्र, मैं तो मैंने आप मान रहे हैं क्या, अगर ये प्रमाण पत्र के आधार, एक सेकंड संजय सिंह, एक सेकंड संजय सिंह, देखिए कमलनाथ जी क्यों बोले, एक सेकंड संजय सिंह, आप पहले योगी जी को डिफेंड करिए, चावला जी एक बात समझिए, आप आपकी उम्र और हमारी उम्र के अंदर डिफरेंस को आप देख लीजिए, आपने जब से आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं और सिस्टम पे खड़े हुए हैं, भारतीय राजनीति के अंदर क्या कभी ऐसा दौर भी आया जो दो राज आ गया? ऐसा दौर क्यों आ गया? ऐसा क्वेश्चन क्यों उठने लग गया कि मैं हिंदू हूं, मेरा जन्म ये है, या मेरा सिस्टम ये हिंदू है मुसलमान है? उसने अराजकता, उसकी अराजकता फैलाने का काम किया बीजेपी ने। देखिए, एक हिंदू को, एक भारतीय को कोई प्रमाण देने की बीजेपी को जरूरत नहीं है। बताइए, आप पहले हर इलेक्शन से पहले फतवा क्यों आता था? आप क्योंकि आपकी गिरती हुई शाख आपको परेशान कर रही है। एक सेकंड, एक सेकंड, बीजेपी से जीत जाएंगे हिंदुत्व में, मैं चलते चलते ये बयान लूंगा, मैं चलते चलते कुछ बयान लूंगा, लेकिन संजय सिंह अगर मुकाबला धर्म के आधार पे होता जीत जाएंगे आपसे, आप तो बड़े वाले हिंदू है ना, है ना? नहीं नहीं नहीं, क्यों? धर्म का आधार, अधर्म का आधार यहाँ नहीं चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री तेलंगाना में क्या कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ कार्य करने का काम किया है, आपने तो कहा हमारे नेताओं ने जवाब देने का काम किया। योगी जी बता थोड़ा रहे कि पीएम ने क्या किया, वो तो बता रहे जय श्री राम, वो क्या बोले छोड़िए, जय श्री राम वो क्या बोले छोड़िए, सर आप बताइए, हमारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ विकास का काम किया, सर मैं वही तो पूछ रहा हूं, सेनाओं ने